अशोक पांडे जी, देखिए बहुत बड़ी संख्या में जितनी उम्मीद कांग्रेस पार्टी को इस भारत जोड़ो यात्रा से है अशोक जी, उतनी ही उम्मीद वेस्ट यूपी के लोगों को इस भारत जोड़ो यात्रा से भी दिखाई दे रही है। ये सनुज बता रहे हैं, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, इसका हिस्सा बन रहे हैं। अशोक जी, आपको डर तो नहीं लग रहा? देखिए, हम इसलिए डर नहीं रहे हैं कि एक नारा आया था, यूपी के दो लाल दो बेटे यूपी के एकजुट हुए थे, और जब चुनाव हुआ था तो दो बेटों की आकलन हो गया था। यही बेटे हैं ना, यही बेटे हैं जो आज अलग अलग होके एक दूसरे को चिट्ठी लिख रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं कि आओ शामिल हो जाओ, जाओ भाई शामिल हो जाओ। ये वही लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में जब हम ला रहे थे कि 70 धारा उसे हटाते, ये लोग विरोध करने वाले लोग हैं, तलाक 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 का विरोध करने वाले लोग हैं, हमारी हर नीतियों का विरोध करने वाले लोग हैं। ये तो वही लोग हैं जब कोरोना संक्रमण, ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। काल में 80 करोड़ लोगों को अन्न हम दे रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे, ये वही लोग हैं जो हम लोगों को वैक्सीनेशन करा रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे। जाओ भाई शामिल हो जाओ, जनता हमारे साथ है, और जनता जिसके साथ है, जिसका हाथ हमारे हाथ है, निश्चित तौर पे उसी की सरकार बनेगी। हम कोई भय आक्रांत लेकिन समर्थन तो दिया है ना अशोक जी, समर्थन तो अखिलेश यादव ने दिया है, शुभकामनाएं भेजी है उन्होंने राहुल गांधी के लिए भारत जोड़ो यात्रा के लिए। अशोक जी, अरे ये लोग तो यूपी के दो लाल एक साथ मिल के चुनाव भी लड़ चुके हैं, यूपी के दो लड़के, क्या हो गया? अभी तो चिट्ठियां लिख रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ये लोग आपस में ही डरते रहेंगे, लड़ते रहेंगे ही। जनता हम सबका साथ, सबका विकास वाले लोग हैं, हमने विकास किया है, इसलिए हम कहीं डरने वाले लोग नहीं हैं। ठीक है आशुतोष जी, बहुत बड़ी संख्या में सनुज बता रहे हैं, सनुज वहीं पर मौजूद है, वो बता रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ भी रहे हैं, और जहां जहां से यात्रा आगे बढ़ रही है वहां पर भीड़ बढ़ती ही जा रही है, और इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कांग्रेस पार्टी का। आपको तो नहीं डर लग रहा इससे, क्योंकि अशोक जी कह रहे हैं हमको डरने की आवश्यकता तो नहीं है, समाजवादी पार्टी तो नहीं डर रही है इस यात्रा से राहुल गांधी जो निकाल रहे हैं वेस्ट यूपी में? नहीं देखिए, कोई डरने की बात नहीं है, कोई ऐसा थोड़ी है कि वो अपनी पार्टी को मजबूत कर रहा है, इससे समाजवादी पार्टी को क्या लेना है। मैं कहता हूं कि ये अच्छी पहल है और इसका स्वागत करना चाहिए, अशोक जी को भी स्वागत करना चाहिए। जब आप लोग जैसे लोग, जब इतने वरिष्ठ लोग इसकी निंदा करते, तो मुझे दुख लगता है कि कोई भी राजनीतिक इस देश में हो, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र में सबका हक है वो लोगों के बीच में जाए। और ये आज देखिए, आज चंपत राय जी ने भी कितनी अच्छी बात करी कि 50 साल का युवक अगर 3500 किलोमीटर चल के देश को समझना चाहता है तो ये एक अच्छी चीज है, इसमें किसी को बुराई तो नहीं दिखती, मुझे नहीं लगता कम से कम किसी को बुराई देखनी चाहिए। हाँ, जहां तक राजनीतिक गुड़ागड़ित की बात है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का लगातार वोट प्रतिशत गिरा है, और 2% और दो विधायकों के साथ 403 विधायकों में बैठे हुए हैं, तो ये उनकी समय की मांग है। और मुझे लगता है कि अगर ये मजबूती से आगे आते हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए 2024 के लिए विपक्ष को मजबूत करने का एक अच्छी पहल है, समाजवादी पार्टी इसका स्वागत करती है, हम इसको डरने की कोई बात नहीं देखते। एक सवाल ये उठाया जा रहा है आशुतोष जी, राजनीतिक जानकार भी कह रहे हैं कि अच्छा होता कि सारे विपक्षी दल एक साथ राहुल के साथ खड़े दिखाई देते, इस यात्रा का हिस्सा बनते। राहुल ने इनवाइट किया था आप लोगों को, शुभकामनाएं भेज दी आपने ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन आप खुद नहीं गए, अखिलेश यादव खुद इस यात्रा का हिस्सा नहीं बने, ऐसा क्यों दूरी बनाई आप लोगों ने, ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे। नहीं देखिए, इसको गलत तरीके से देखा जा रहा है और बार बार ये सवाल ही गलत किया जा रहा है। ये कांग्रेस कितना भी कुछ कहे, ये कांग्रेस पार्टी की एक राजनीतिक यात्रा है, और ये कांग्रेस पार्टी की द्वारा खुद एक रचित एक राजनीतिक यात्रा है। इसका समाजवादी पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी से या किसी भी पार्टी से, बीएसपी से क्या लेना है? जब साइकिल यात्रा चलती है तो हम कांग्रेस पार्टी से कहते हैं आ जाइए हमारे साथ में, हम अपनी यात्रा करते रहते हैं। जब बीजेपी वाले अपना यात्रा करते हैं लोग के, तो हम क्या उनकी पार्टी में जाते हैं, या बीएसपी अपना अकेले, ये एक एक खालिश एक राजनीतिक यात्रा है और को करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी की अपनी युवा संगठन की खुद यात्रा चल रही है, मैंने बोला लगातार हमारे नेता उसमें इकट्ठा हो रहे हैं, जिलेवार जा रहे हैं। हाँ, ये यात्रा, क्योंकि हमारी जो यात्रा है वो मीडिया में इस तरीके से नहीं दिखाई जा रही, क्योंकि युवा लोग हैं, ब्लॉक पे जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें समाजवादी पार्टी का क्या रोल है। उन्होंने हमसे कहा कि भाई
ये चिट्ठी आई, आपको आना चाहिए। हमने कहा आपके साथ में है और आपकी विचारधारा देश की विचारधारा के साथ में है, तो हम लोग आगे जाएंगे, ये शुभकामनाएं दी हमने। ठीक है, 27 से पहले 2024 से आशुतोष जी, और ये कहा जा रहा है जो ये यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, वो संदेश एक देने की कोशिश भी कर रहे हैं 2024 को लेकर। ये पूरी तैयारी 2024 की समझ में आती है, और ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि अगर 2024 में बीजेपी को पस्त करना है तो फिर सभी को साथ आना होगा, विपक्ष की एकता दिखाई देनी भी चाहिए, इसीलिए सवाल आप लोगों से पूछा भी जा रहा है कि अच्छा नहीं होता कि आप लोग सब साथ। मैं इसमें एक चीज छोड़ें, देखिए किसी को पस्त नहीं करना है, किसी को हटाना नहीं है, इस देश को बचाना है। हमारा भारतीय जनता पार्टी तब भी थी जब उसके 2 सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी आज भी है जब उसके 300 सांसद हैं। हमारा सिर्फ एक मानना है कि इस देश में जिस तरीके से देश के लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, लगातार प्राइवेट सेक्टर को खत्म किया जा, आज अभी बोल रहे थे कि 80 करोड़ लोगों का नाश दिया है, अरे 80 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पे आ गए हैं, सरकार की मजबूरी है, राइट टू फूड को अगर अनाज नहीं देंगे तो भुखमरी आ जाएगी, ये उसकी बात नहीं करते हैं। तो देश में जिस तरीके से हमें देश को बचाना है, हमें किसी को गिराना नहीं है, और हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए आशुतोष जी विपक्षी एकता का जीतना बहुत जरूरी हो जाएगा ना, और इसलिए सवाल आप लोगों से पूछा भी जा रहा है। आप हमारे साथ तौर पे जरूरी ठीक है, ठीक है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।